तू अब बात करते हैं भाई वेदांग पे, ठीक है ना। तो वेदांग कितने हैं, वेदों के अंग कितने हैं, यानी कि वेदों को समझने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर आपको वेद समझ नहीं आ रहे हैं, वेदों की भाषा कैसी है, बड़ी क्लिष्ट भाषा है, कठिन भाषा है, तो इनको समझने के लिए पहले आपको व्याकरण को समझना होगा, ज्योतिष को समझना होगा। इस संस्कृत महाविद्यालय में जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है, जैसे कि भैया भी वही इसमें आए हैं, ठीक है ना, गमछा वाले, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, इनको समझना होगा तब जाके आप वेदों को समझ सकते हैं, समझ रहे हो। यस सर। तो कितने हैं ये, छह। तो ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। अब उपनिषद जो है, मुख्य मुख्य उपनिषद, तो वैसे संख्या कितनी है इनकी, 108, लेकिन अभी तक जो प्रमाणिक उपनिषद है उनकी संख्या केवल 14 है। 14 प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, 14। इसको नोट कर लेंगे, अभी तक हमारे पास प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, 14 उपनिषद है, जबकि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। अब हम देखेंगे सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, ईसा वास्योपनिषद, और इसका संबंध है, ठीक है। और मुंडक उपनिषद जो है किससे संबंधित है, अथर्ववेद। अथर्ववेद के कुछ अन्य उपनिषद है तो भी लिख लो यहाँ, जैसे प्रश्न उपनिषद, क्या है प्रश्न उपनिषद का संबंध किससे है, अथर्ववेद, ठीक है ना, प्रश्न उपनिषद, यानी कि प्रश्न उपनिषद, वहां पे मैंने संधि कर दी। दूसरा है केनोपनिषद, क्या है केनोपनिषद, ठीक है ना, केनोपनिषद का संबंध किससे है, तो ये भी अथर्ववेद से है। मुंडक उपनिषद जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, टूटी फूटी नाम, और इस मुंडक उपनिषद से ही क्या लिया गया, सत्यमेव जयते, जो राष्ट्रीय वाक्य है हमारा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जो है तत्कालीन समय में जो प्रमुख वस्तुएं थी या पशु थे या तत्कालीन समय में जो देवता थे उनसे संबंधित जो शब्द हैं उनका प्रयोग वेदों में किया गया है। तो कितनी बार किया गया था, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते हैं तो इन चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इंद्र का प्रयोग कितनी बार होता है, कुमार जी, पिता शब्द का प्रयोग 234 बार, अग्नि का 215 बार, किसका है एक बार, किसका है, और पृथ्वी तीन बार, किसका है 176 बार, किसका है, गाय नहीं लिखा यहाँ पे, है ना, तो गाय का 176 बार प्रयोग हुआ है। सभा और समिति, समिति गंगा यमुना सब हो चुका है, सिंधु का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि इस समय जो है जो सबसे प्रमुख नदी होगी वो कौन होगी, सिंधु नदी। जब हम इनका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे इसके बाद तब आपको पता चल जाएगा कि सिंधु नदी इनके महत्वपूर्ण नदी में से एक थी, ठीक है ना। एक सरस्वती नदी भी थी, ठीक है ना, सरस्वती लिख लीजिएगा यहाँ पे, सरस्वती, इसको किस नाम से जाना जाता था वो मैं आगे लिखाऊंगा। सरस्वती नदी ये पवित्र नदी हुआ करती थी, सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती, जबकि सबसे उपयोगी नदी कौन थी, सिंधु, सिंधु। अब हम आगे पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार, इसका तो भाई साहब डेटा हमें पता नहीं। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब बात करते हैं इनके भौगोलिक विस्तार में, ठीक है, थोड़ा इनके भौगोलिक विस्तार को पढ़ लेते हैं। ये भैया कुछ ऐसे होंगे जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं इसको, इसके बाद, ठीक है, ये सारे फैक्चुअल पॉइंट है, ये वन डे एग्जाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे क्या, भौगोलिक विस्तार, क्या डालेंगे, भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार हेडिंग डाल दिया आपने, ठीक है। भौगोलिक विस्तार में ऋग्वैदिक जो पूर्व वैदिक काल था, यानी कि ऋग्वैदिक काल था, उनका विस्तार पढ़ेंगे, और साथ साथ उत्तर वैदिक काल जो बाद का वैदिक काल था उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पे क्या, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, ऋग्वैदिक काल। इसका विस्तार कहां से और कहां तक था तो उसको हम अभी समझ के चलते हैं मैपिंग के थ्रू से, ठीक है।
ठीक है, अरब शिप में बना दीजिए आप भी। इधर कौन सा देश है भैया? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है। इधर कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में एक नदी हुआ करती थी कुंभा नदी। क्या है? कुंभा नदी। कुंभा नदी क्या है? इधर कौन सी नदी है? इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। कौन सी नदी आई थी कल इधर से? सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता में जब आपने पढ़ा होगा तो इधर से कौन सी नदी आ रही थी? सिंधु नदी। कहाँ से इसका उद्गम स्थान है? मानसरोवर तिब्बत से। तो सिंधु नदी है। यहाँ पे कौन सी है? सिंधु नदी है। और इधर कौन सी नदी आती है? उत्तराखंड से, गोमुख से, गंगा नदी। ठीक है ना, तो गंगा कहीं। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। ठीक है, शुरुआत में तो हम भागीरथ कहेंगे और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भैया ये कौन सी रिवर है? कुंभा। ये कहाँ पड़ती है? अफगानिस्तान में। अभी तो अफगानिस्तान वालों को पूछना पड़ेगा एक बार। ठीक है ना, ये उतना जरूरी प्रश्न है नहीं। ठीक है नवीन जी, तो कुंभा नदी कहाँ की है? अफगानिस्तान की है। ठीक है, अशरफ गनी वगैरह से मुझे बात करनी पड़ी। ये कौन है सर? जो भी वहां के थे पहले ना राष्ट्रपति, अब तो नहीं है पहले। कुंभा नदी, ठीक है ना, कुंभा नदी कहाँ है? अफगानिस्तान में। सिंधु नदी है और गंगा नदी। अब जो ऋग्वेदिक आर्य थे, ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे, इनका विस्तार बताया जाता है कि कुंभा नदी से लेकर के और गंगा, पश्चिमी गंगा नदी तक, यानी कि यहाँ पे यूपी के पश्चिमी क्षेत्र तक, ठीक है ना, यहाँ तक इतने क्षेत्र में जो है इनका विस्तार हुआ करता था। समझ पा रहे मेरी बात? यूपी, पश्चिमी यूपी, ठीक है ना। गंगा का विस्तार कहाँ है? इधर उत्तराखंड में, उसके बाद यूपी में है, इससे आगे ज्यादा है। यानी कि गंगा से इनका संबंध काफी कम था। समझ रहे हो बात? जब इनका विस्तार यूपी के पश्चिमी क्षेत्र तक था, लेकिन गंगा का अधिकांश क्षेत्र किधर है? इस साइड को है और बाकी तो उत्तराखंड में है। तो इनका जो भौगोलिक विस्तार था वो कहां से कहां तक था? कुंभा नदी से लेकर के पश्चिमी यूपी, कुंभा टू वेस्टर्न यूपी। समझ रहे हो? कुंभा से कहां तक है? वेस्टर्न यूपी तक है, यानी कि गंगा के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, इसीलिए जो वेदों में गंगा शब्द का प्रयोग किया गया, कितनी बार किया गया? मात्र एक बार किया गया। और सबसे अधिक बार सिंधु नदी का प्रयोग किया गया। किसका? सिंधु नदी। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि इनकी जो अधिकांश गतिविधियां थी वो किस नदी के आसपास होती थी? सिंधु नदी पर। यानी कि वो लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में भी हमने पढ़ा, उस टाइम की भी प्रमुख नदी कौन थी? इसलिए इसका सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। और कहाँ से है? कुंभा नदी से पश्चिमी यूपी तक इनका भौगोलिक विस्तार। ठीक है, अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, इसमें किसकी बात करें? लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो इस बार क्या हो गया था? इनका विस्तार थोड़ा सा गंगा यूपी में थोड़ा आगे तक हो गया, यानी कि गंगा के थोड़ा सा आगे वाले क्षेत्र में हो गया था। समझ रहे हो? और इस दौरान कहाँ था? ऋग्वेदिक काल में इनका विस्तार कहाँ पे था? सिंधु नदी के आसपास। अधिकांश लोग कहाँ पे रहते थे? सिंधु नदी के आसपास। ऋग्वेदिक काल में इनके भौगोलिक विस्तार में अगर हम चर्चा करें तो इस समय एक सप्त सैंधव प्रदेश का चर्चा होती है। किसकी है? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव का मतलब है सात नदियों का जो 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 स्थान है, यहाँ पे इसीलिए सप्त सैंधव प्रदेश इसे कहा गया है। इस क्षेत्र में सात नदियां प्रवाहित होती है, ठीक है ना। अब उनको मैं क्रमशः लिख देता हूँ, वी आर रत्नी पेपर में इनके उपनाम आते हैं कि तत्कालीन समय में इनको क्या कहा जाता था। तो सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेदिक कार्य अधिक रहते थे, तो इनमें कौन कौन सी नदी? सबसे पहले तो प्रमुख नदी लिख लेते हैं, सिंधु नदी। सिंधु नदी है, ठीक है। उसके बाद है चिनाब, उसके बाद है कौन? झेलम, उसके बाद है रावी नदी, उसके बाद है क्या? सतलज,
उसके बाद है व्यास और अंतिम जो नदी है कौन सी है, सरस्वती नदी। तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी इनकी कौन सी थी, ऋग्वेदी काल की, हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी सिंधु नदी के आसपास ही अधिक रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत विस्तार हो जाएगा इनका आगे की तरफ। ठीक है, अब सिंधु नदी यहाँ पे इनके लिए अलग अलग नाम का प्रयोग किया जाता था उस टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे चिनाब नदी के लिए कौन सा नाम प्रयोग किया जाता था, इसको अस्किनी कहते थे। क्या कहते थे, अस्किनी। चिनाब नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, अस्किनी। ऑब्जेक्टिव जब मैं पेपर कराऊंगा तो मैं सारे क्वेश्चन दूंगा भाई, ये सारे याद करना। ठीक है ना, चिनाब नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे, अस्किनी। इसी प्रकार झेलम को कहते थे बितस्ता। क्या कहते थे, बितस्ता। अभी हम पढ़ेंगे हाइड स्पीड का युद्ध, समझ रहे हो। किस नदी के तट पर हुआ था, सिकंदर के टाइम पीरियड आया जब हाइड स्पीड झेलम बितस्ता नदी के तट पर। तो झेलम को क्या कहते थे, अस्किनी को, यानी कि चिनाब को अस्किनी, अस्किनी को झेलम। रावी नदी को क्या कहते हैं, परुषणी। पूछा जाता है परुषणी, परुषणी किसे कहा जाता था, रावी नदी को। सतलज को सतुद्री कहा जाता था, सतुद्री। ठीक है ना, सतलज को क्या कहा जाता था, सतुद्री। व्यास को क्या कहा जाएगा, विपाशा। ठीक है ना, नहीं भूलेंगे भाई, है ना, इसको तो भूल ही नहीं सकते। मल्लिका शेराव था विपाशा। ठीक है, तो विपाशा किसे कहा जाता था, व्यास नदी को। सरस्वती नदी को क्या कहते थे भैया उस टाइम पे, सरस्वती नदी को नदी तमा कहते थे। क्या कहते थे, नदी तमा। नदियों में जो श्रेष्ठ नदी थी कौन थी, ये होता है इसका मतलब, समझ रहे। तो सप्त सिंधु प्रदेश में ये सात नदियां आती थी और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सिंधु के लिए जो प्रयोग होता था वो पता नहीं, होता भी था कि नहीं होता। ठीक है, सिंधु के लिए सिंधु ही शब्द होता था। तो चिनाब को क्या कहते हैं, अस्किनी। अब मैं पूछ रहा हूँ रावी के लिए क्या नाम प्रयोग होता था भाई गोपाल, परुषणी। सतुद्री किसे कहा जाता था, विपाशा किसे कहा जाता था, नदी तमा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो भौगोलिक विस्तार आपका हो चुका है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे दूसरा, इनका समाज, ये यहीं पर सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे वर्ण व्यवस्था हो गई, इनका समाज। समाज लिख दिया था भैया, ठीक है। समाज में मैंने आपको पहले ही जो है बता रखा है कि समाज को हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि समाज के भीतर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, महिलाओं की स्थिति पढ़ते हैं, वर्ण या वर्ग विभाजन। जहाँ पे हड़प्पा में क्या था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी लेकिन वर्ग विभाजन था, संस्कार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, समाज में। तो सबसे पहले मैं ऋग्वेदिक काल का समाज देखते हैं। अब हेडिंग क्या रहेगी, सामाजिक स्थिति या समाज। अब यहाँ पर जो जाति व्यवस्था का तो भाई उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है, जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं आपको, फैक्चुअल भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ऋग्वेद के जो मंडल थे वो कितने थे, दस मंडल। थोड़ा सा लिख लीजिएगा, दसवें मंडल में था। किस चीज का, जाति व्यवस्था का वर्णन किसमें था, दसवें मंडल, दसवें में था। ठीक है, चलो उसको बाद में कर दे दिया। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। हम क्या क्या पढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, कोई पारिवारिक संस्कार हो, तो उन चीजों के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, समाज, समाज में पढ़ते हैं। तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में थी या नहीं थी, थी। इसकी हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद के दसवें मंडल, किस मंडल से, ऋग्वेद के दसवें मंडल से। यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में, कौन से मंडल से, दसवें मंडल, ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त से। ठीक है ना,
पुरुष जो ठीक है ना, ये कि भाई घोड़ी रुकन टाइम पर भाई ना हाँ तेरे बोल दिए खा एक क्लास बोल चल जल्दी आराम आराम से बोले ना ना आराम से बोले कुमन के इसको ये बंद कर दे क्या तू वैसा शांत गोपाल का ना चलो भैया अब यूं तो लुआग नहीं दरबार लगे दिया जी ठीक है ठीक क्लास चल नहीं ना हाँ माइक हमारा बंद करो ठीक है वहाँ चेक करेंगे जरा चल रहा है ठीक है वन व्यवस्था का जो हमें उल्लेख मिलता है कहाँ से मिलता है दसवें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है पुरुष सूक्त से ठीक है ना। अब वर्ण व्यवस्था यहाँ पे किस प्रकार की थी तो यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म मूलक थी कैसे थी कर्म मूलक यानी कि कर्म पर आधारित थी ठीक है ना यानी कि जैसा कर्म करोगे उसके आधार पर आपकी जाति का निर्धारण होगा समझ रहे हो बात को। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इस काल में क्या कहा गया था वैदिक काल में कहा गया था कि एक ही घर के चार सदस्य अलग अलग जाति के थे ठीक है ना चार सदस्य एक ही परिवार के तो ये कैसे संभव है क्योंकि तत्कालीन समय में जो वर्ण व्यवस्था थी कैसी थी कर्म मूलक थी यानी कि माना कि बिजलवान जी हैं तो वो हड्डे कटे हैं तो वो सेना के लायक हैं कि नहीं है, है ना मानेंद्र जी हैं है ना तो जो व्यक्ति जिस हिसाब के लिए था सक्षम था जिस चीज़ में तो उसको उस जाति के कैटेगरी में रखा जाता था समझ रहे हो बात को। माना कि कोई व्यक्ति विद्वान वर्ग का है विद्वान व्यक्ति है ठीक है ना माना कि ये हैं भाई साहब ठीक है तो वो किस वर्ग में रखेंगे ब्राह्मण जाति में उनको रखा जाएगा ठीक है ना। सैनिक वर्ग में किसे रखा जाएगा जो कैसे होंगे तकड़े बंदे होंगे है ना और जो व्यापार करते होंगे उन्हें वैसे जाति घोषित कर दिया जाएगा और जो बाकी अन्य चीज़ें बचेंगे जैसे सेवा सेवा ठीक है ना तो उन्हें दास कहा जाएगा दास शूद्र कहा जाएगा समझ रहे हो आप। तो एक परिवार में वैदिक काल में एक जगह पर उल्लेख मिलता है कि एक ही परिवार के चार सदस्य के अलग अलग जाति के थे समझ रहे हो बात को। तो इस टाइम की जो जाति व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था थी कैसी थी कर्मूलक समझ पाए आप मेरी बात को। और यहीं पे उत्तर वैदिक काल में देख लेते यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसी है ये यहाँ पे जन्म मूलक हो गई भैया कैसी हो गई जन्म मूलक हो गई। माना कि कोई व्यक्ति जो है उसके पिता पहले सेना में थे अब उसका बच्चा भी क्या कहलाएगा क्षत्रिय कहलाएगा उसका नाती भी क्या कहलाएगा अब चाहे वो सेना के लायक है या नहीं है फिर भी क्या कहलाएगा यानी कि वंशानुगत हो गया अब है ना समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे कैसी हो गई वो वर्ण व्यवस्था जन्मूलक यानी कि अगर इस किसी भी व्यक्ति का पिता क्या है क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी क्या होगा ठीक है ना। तो जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है ठीक है ना तो जन्मूलक हो गई थी तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। दूसरा अगर हम पढ़ें कि महिलाओं की स्थिति क्या थी महिलाओं की स्थिति के बारे में देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति भाई ऋग्वेद काल में लगभग ठीक थी सामान्य कह सकते हैं हम ठीक है ना
कैसी थी? सामान्य। और इस काल में थोड़ा सा गिरावट आई थी, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति है उसमें क्या आई, थोड़ा सा गिरावट आई, और समझेंगे इस बात को, है ना। वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, ये क्या होता था? उपनयन संस्कार थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ आपको। तो उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु के समीप जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, है ना। आश्रम व्यवस्था की भी व्यवस्था जो है वैदिक काल में पाई गई कि 25 साल तक आप क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाएंगे, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास जीवन धारण कर देंगे आप, है ना। तो उपनयन संस्कार जो होता था इस समय महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। महिलाओं के भी क्या होता था, उपनयन संस्कार, यानी कि वो भी शिक्षा ग्रहण करते थे गुरु से। तो इस समय स्थिति कैसी होगी, शिक्षा का अधिकार है इस समय जो है, महिलाओं की स्थिति सामान्य थी। इस समय बाल विवाह नहीं होता था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, दास प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी इस समय इनको शिक्षा का, ठीक है ये भी ठीक कहा आपने, सती प्रथा नहीं थी, इन्हें जो है शिक्षा का अधिकार था। किस चीज़ का अधिकार था? शिक्षा का अधिकार था। जैसे कि कुछ उदाहरण देता हूँ मैं, कुछ विदुषियों के उदाहरण देता हूँ। अपाला ऋग्वेदिक काल में, घोषा, ठीक है, आदि कुछ महिलाएं थी उस टाइम की जो तत्कालीन समय में क्या थी, विदुषियाँ थी, विद्वान महिलाएं, ठीक है ना। तो तत्कालीन समय में बाल विवाह नहीं था, वर्तमान में विवाह की उम्र क्या कर दी गई है, 21 साल लड़कियों की। तो बाल विवाह का प्रचलन उस टाइम नहीं था, दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक थी ना। अब हम राजपूत काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर महिलाएं क्या हो गई थी, सती हो गई थी, समझ रहे हो बात को। उत्तराखंड में भी सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। जब कपू चौहान जब मारा गया तो उस दौरान वो जौहर किया उन्होंने, है ना। तो अपाला घोषा जैसे विदुषियों के उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वैदिक काल में। इस टाइम पे हम देखेंगे कुछ गिरावटें आई महिलाओं की इसमें, हालांकि यहाँ पर भी कुछ विदुषियों के नाम मिलते हैं, है ना। कुछ विदुषियों के नाम यहाँ पे मिलते हैं, जैसे गार्गी हो गया, गार्गी हो गया। गार्गी विदुषी का नाम कहाँ मिलता है, उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था अभी तक, है ना। लेकिन एक काटक संहिता है, एक संहिता है वैदिक काल में, तो उसमें कहा गया कि स्त्री जो है शराब और जुए की तरह तीसरी जो है बुराई है संसार में, ठीक है ना। तो अथर्ववेद में था, ठीक है ना, अथर्ववेद के भीतर वो काटक संहिता आई थी। तो इसमें बताया गया कि स्त्री जो है जुआ और शराब की भांति तीसरी क्या है, बुराई है समाज में। तो कहीं ना कहीं स्त्री का क्या किया गया यहाँ पे, स्त्री की महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली है। तो ये समझाना चाह रहा था मैं आपको, महिलाओं की स्थिति में यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आई, समझ रहे हो बात को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी समाज में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, दूसरा हेडिंग डालेंगे साहब, अर्थव्यवस्था। विधवा विवाह का प्रचलन तो भैया देखना पड़ेगा, ये विधवा विवाह का प्रचलन आपको नहीं है ज्ञात, होगा या नहीं होगा? तो विधवा विवाह का प्रचलन था भाई साहब इस टाइम पे, ठीक है ना। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोले, उस टाइम एक प्रथा चलती थी, नियोग प्रथा। कौन सी प्रथा थी? नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा में होता क्या था कि जब कोई स्त्री होती थी और उसका जो है पुत्र नहीं हुआ बाय द वे, और उससे पहले उसका पति मर गया, है ना, तो उसका अधिकार था कि वो अपने देवर के साथ रहती थी, ठीक है ना। तो इस प्रथा को कहते थे नियोग प्रथा। तो ये वैदिक काल में पाई जाती थी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पीसीएस में पूछा गया था ये प्रश्न कि नियोग प्रथा का संबंध किससे है, तो ये समझ गया, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे अपनी भाषा में, यदि किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त नहीं हुए उससे पहले अगर उसका पति मर जाता है तो वो जो है अपने देवर के साथ रह सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रथा को क्या नाम दिया गया, नियोग प्रथा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगला हेडिंग हमने क्या कहा था,
अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अगला क्या है? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में भाई पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसी पढ़ेंगे पहले ऋग्वेदिक काल की और फिर उत्तर वैदिक काल की, दो बना देंगे आप, इधर ऋग्वेदिक काल इधर नियोग प्रथा थी साहब। अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे आप? पहले हम ऋग्वेदिकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ लेते हैं। ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था इधर क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऋग्वेद जो वैदिक काल है ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। जो यहाँ के लोग थे वो कैसे थे? कबीलाई लोग थे, एक प्रकार से खानाबदोश टाइप के लोग थे ये भी। एक स्थान पे नहीं रहते थे बल्कि क्या करते थे? चलायमान थे, यानी कि बार बार क्या माइग्रेट होते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पलायन करते थे। तो ये मोस्टली कैसे लोग थे? कबीलाई लोग थे, कबीलाई लोग थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता था वो क्या होता था? पशुपालन होता था। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन होता था। ऋग्वैदिक आर्य जो है या ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वो कैसे थे? खानाबदोश कह सकते हैं या कबीलाई कह सकते हैं। और एक इनका जो मुख्य व्यापार था वो क्या था? व्यवसाय पशुपालन था। और इनकी जो प्रमुख पशु हुआ करता था तत्कालीन समय में, वो सो गाय था। क्या था? प्रमुख पशुओं में क्या था? गाय था। और गाय के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया उसे कहते हैं अधन्या, अघन्या, अघन्या। गाय के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया गया? अघन्या। तो गाय के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो क्या है? अघन्या शब्द प्रयोग किया गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस समय वैदिक काल में गाय का महत्व ज्यादा था। इसका आइडिया हम इस प्रकार भी लगाते हैं क्योंकि गाय से मिलते जुलते शब्द और लोगों के लिए भी प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे कि राजा को कहा जाता था गोपत, गोपता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ये गोपति भी कहा जाता था और गोपता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो गो मतलब गाय, गो, गोपति कहा जाता था या गोपता कहा जाता था। इस समय जो समय को कहा जाता था, टाइम को, टाइम को गोधूली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समय को गोधूली कहा जाता था, गोधूली। मोस्टली ये शाम का समय होता था। क्या होता था? गोधूली होता था शाम का समय, सूर्यास्त होता है, जैसे गाय घर आ रही है, गोधूली। तो राजा के लिए गोपति या गोपता और समय के लिए गोधूली, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं गाय का उस समय क्या होगा? महत्व ज्यादा होगा। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु क्या था उनका? गाय था। प्रमुख पशुओं में भी गाय था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे साहब, ठीक है। चलो जी, गाय को क्या कहा जाता था? अघन्य कहा जाता था। राजा को गोपति या गोपता कहा जाता था। समय को गोधूली कहा जाता था। इसी प्रकार कुछ शब्द और भी लिख लो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। जो टैक्स कलेक्टर होता था यानी कि कर संग्राहक होता था, कर को इकट्ठा करता था, टैक्स कलेक्टर। तो टैक्स कलेक्टर को क्या कहते थे? संग्रहिता, संग्रहिता। कर को इकट्ठा कौन करता था? अर्थव्यवस्था का भाग है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। कर को इकट्ठा कौन करता था? संग्रहिता। और गुप्तचर होते थे, जैसे गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था उस टाइम पे, स्पर्श या स्पर्श, ठीक है ना। गुप्तचर, गुप्तचर को क्या कहा जाता था? स्पाई, अंग्रेजी में स्पाई कहते हैं, स्पर्श हिंदी में, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर है इतनी से। तो इस टाइम के लोग कैसे थे, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, कबीलाई लोग होते थे। अब इधर पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है ना। 1000 ईस्वी के आसपास हुआ क्या था कि 1000 ईस्वी के आसपास एक जगह पर थी यूपी में अतरंजी खेड़ा, क्या है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी। अभी तक आपने सभी धातुएं देख ली होंगी, सोना देख लिया, तांबा देख लिया, टिन देख लिया, है ना, चांदी भी मिल गया। लेकिन जो लोहा है, लोहे के पहले परमाणु जो है हमें कहाँ से मिल रहा है, अतरंजी खेड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता भैया। तो 1000 ईस्वी BC के आसपास यूपी के अतरंजी खेड़ा में हमें लोहे की पहली बार प्रमाण मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में, है ना। और दक्षिण भारत में अगर पूछेंगे तो हुल्लूर एक जगह पड़ती है, क्या पड़ती है, हुल्लूर। दक्षिण भारत में सबसे पहले हुल्लूर में लोहा मिला था और उत्तर भारत में अतरंजी खेड़ा, और पूरे भारत में भी कहेंगे तब भी अतरंजी खेड़ा है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, यहाँ की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे पशुपालन तो था, पशुपालन पशुपालन तो था, साथ साथ अब लोहे की खोज हो चुकी है। तो इस समय क्या करेंगे, कृषि कार्य करने के लिए हल बना सकते हैं हम आप। तो यहाँ पे कृषि कार्य क्या होगा, कृषि करेंगे लोग। यहाँ पे लोग कबीलाए थे, यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। यहाँ पे जीवन में क्या आ जाएगा, स्थायी तो आ जाएगा, समझ रहे हो आप। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को हम समझते हैं। यहाँ अतरंजी खेड़ा में लोहे के पहली बार साक्ष्य मिले हमें 1000 BC में। जब लोहे की खोज आ जाएगी तो इससे हम उपकरण बना सकते हैं, साथ साथ हम युद्ध में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं औजार बनाने में। तो कृषि के साक्ष्य हमें कब मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल में। पहले के क्या थे, कबीलाई लोग पशुपालन पे जो है निर्भर रहते थे, समझ रहे हो बात को। तो इतनी सी बात है यहाँ पे। तो ये अर्थव्यवस्था का थोड़ा बहुत पार्ट हो गया। हालांकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था में जैसे सिक्के भी पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं, सिक्के। तो यहाँ पे सिक्के के कोई भी प्रमाण नहीं मिले, सिक्के के प्रमाण नहीं मिले। हालांकि एक शब्द आता है निस्क, निस्क क्या होता है, ये सिक्कों के लिए प्रयोग होगा बाद में। लेकिन जो वैदिक काल में जो निस्क शब्द प्रयोग हुआ है, वैदिक काल में निस्क शब्द जो प्रयोग हो उसका अर्थ जो है आभूषण के तौर पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, तो ऐसा मत करना कि जो वैदिक कालीन जो निस्क शब्द है उसका मतलब क्या, सिक्का नहीं है, क्या है यहाँ पे, आभूषण है। आगे जाके जब निस्क आएगा तो वो सिक्का वहाँ पे होगा, समझ पा रहे मेरी बात को आप। तो इस टाइम जो व्यापार होता होगा किसका होता, पशुओं का होता होगा मोस्टली ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पे जब कृषि हो गई तो यहाँ पे फसलों का भी क्या होगा, व्यापार होगा, समझ पाई थी। तो ये अर्थव्यवस्था का थोड़ा बहुत भाग हो गया साहब, ठीक है। अब आगे लिखेंगे आप राजनीति, क्या लिखेंगे, तत्कालीन समाज की राजनीतिक स्थिति क्या थी, तत्कालीन समाज की राजनीतिक स्थिति क्या थी। सामाजिक स्थिति में थोड़ा सा एक चीज और मेंशन कर देना आप, सामाजिक स्थिति में एक चीज़ और मेंशन कर देना, जैसे कि विवाह होता है, ये भी एक प्रकार का संस्कार है, तो सामाजिक स्थिति में विवाह लिख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। विवाह अलग से लिख लो, कोई बात नहीं, अलग से लिख लो विवाह। तो इस समय दो प्रकार के विवाह होते थे, एक प्रशंसनीय विवाह होता था जिसको अच्छा विवाह माना जाता था, एक जो है निंदनीय होता था जिसको बेकार माना जाता था। तो प्रशंसनीय और निंदनीय विवाह होते थे। तो कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा कमी होगी कुछ निंदनीय में, ठीक है ना। और प्रशंसनीय विवाह जो है जो तत्कालीन समाज में अच्छे विवाह माने जाते तो उन्हें क्या कहते थे, प्रशंसनीय विवाह। तो प्रशंसनीय विवाह जो है चार प्रकार के थे, और निंदनीय विवाह भी कितने प्रकार के थे, चार प्रकार के ही थे, चार चार प्रकार के थे। तो कुल मिलाकर के 8 प्रकार के विवाह होते थे, है ना। तो प्रशंसनीय विवाह की अगर बात करें तो पहला विवाह होता था देव विवाह, कौन सा विवाह, देव विवाह होता था। अगर देव विवाह की बात करें तो इसमें क्या होता था कि महिला का विवाह जो है अपने पुरोहित से करा दिया जाता था, किसी का
लड़की का विवाह अपने पुरोहित से करा दिया जाता था, ठीक है ना। तो इस विवाह को क्या कहते हैं? देव विवाह। तो पुरोहित से किया जाने वाला विवाह किससे होगा? ये विवाह पुरोहित से, समझ रहे हो आप। दूसरा लिखेंगे आप ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह। ये विवाह ऐसा होता था कि माता पिता की सहमति पर जो विवाह होता था उसे कहते थे ब्रह्म विवाह, है ना। ब्रह्म विवाह है ना। कुछ विवाह ऐसे भी होंगे जो जबरदस्ती होंगे, नहीं मोह ही जाती है ना, निंदनीय होगा, है ना। तो ब्रह्म विवाह में क्या होगा? जो माता पिता की सहमति से जो विवाह होता था उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं। देव विवाह किसे कहेंगे? जब पुरोहित से विवाह कराया जाएगा। ब्रह्म विवाह जब माता पिता की सहमति होगी, है ना। एक होता है क्या? प्रजापाति विवाह। क्या होता है? प्रजापाति विवाह, ठीक है। और जो दूसरा विवाह होता है, एक होता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, ठीक है ना। प्रजापाति विवाह में इसमें गाय दान दी जाती थी कन्या को, गाय दान करके जो विवाह कर दिया जाता था उसे प्रजापाति विवाह कहते थे। जो ये आर्ष विवाह होता था, इसका मुझे माइंड क्लिक नहीं कर पा रहा है कि होता किस में होगा, तो देख लेंगे, ठीक है ना। अब निंदनीय विवाह देख लो भाई, ठीक है। निंदनीय विवाह में सबसे पहले आएगा क्या? राक्षस विवाह लिख लीजिए, पिशाच विवाह लिख लीजिए। सबसे पहले पिशाच लिख लेते हैं, जो खतरनाक वाला विवाह है ना, पिशाच, जिसका नाम ही है पिशाच, है ना। अब इस विवाह में होता क्या है कि सोई हुई कन्या को उठा कर ले जाते हैं। क्या करते हैं? तो पिशाच वाले काम है कि नहीं है? तो ये बहुत डेंजरस वर्क है, तो प्रयास ना करें ऐसे वर्क करने का, है ना। तो सोई हुई कन्या को उठा कर ले जाना, सोई हुई कन्या को उठाकर ले जाने से जो विवाह किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पिशाच विवाह, ठीक है। अजय प्रसाद को बड़ी हंसी आ रही है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? गंधर्व विवाह। गंधर्व, गंधर्व विवाह है। गंधर्व का मतलब होता है प्रेम प्रसंग से, ठीक है ना। जो प्रेम प्रसंग संबंधित विवाह होता है, जब लड़की और लड़के का आपसी समझ से जो विवाह होता है, गंधर्व विवाह तत्काल समय में निंदनीय माना जाता था। प्रेम वाला जो प्रसंग है, हैं, ठीक है ना। तो ये निंदनीय प्रेम प्रसंग संबंधी, ठीक है ना, ठीक है ना। इतनी सी बात आगे समझ। एक होता था असुर विवाह। क्या होता था? असुर मतलब होता था, असुर कैसे रहते हैं? जो जबरदस्ती करते किसी चीज में, है ना, बलपूर्वक किया जाने वाला विवाह, समझ रहे हो जी। बलपूर्वक किया जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं? असुर विवाह। बलपूर्वक किया जाता था ये। और दूसरा बचा आपके पास राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या था कि कन्या के पिता को क्या दिया जाता था? धन दिया जाता था, ठीक है ना। धन के बल पर किया जाने वाला विवाह था ये वाला, समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं, और विवाह नहीं थे भैया, ठीक है ना, इतने ही हैं। खरीदा जाता था, एक प्रकार से खरीद फरोख्त था, जो कि संविधान में क्या है उल्लेखित है, असंवैधानिक चीज़ें हैं। तो ये सारे देव विवाह हो गया, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापाति विवाह, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, चल ही रहा है तुम्हें। तो ये विवाह, ये भी समाज का एक पार्ट है भैया, है ना। तो अब राजनीति हमने पढ़नी थी, हेडिंग क्या डाली आपने? राजनीति। तो तत्कालीन समय में जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी, इसको समझ के चलते हैं, है ना। पूरा इतिहास जो है इन्हीं आयामों में छिपा रहता है, पूरा समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, संस्कृति में, ठीक है ना।
तो इस टाइम की जो राजनीतिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति वो कैसी थी, अब देखेंगे आप, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे दो खंड थे इस काल में, एक खंड क्या था, ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल, और यानी कि ये वैदिक पीरियड था, और ये क्या था, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है ना, अब देखेंगे जो वैदिक काल था, यानी कि वैदिक काल को ही हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है ना, वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, उत्तर वैदिक काल। तो इस टाइम क्या था, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में अगर हम राजनीतिक स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे समाज कैसा था, कबीलाई समाज था, है ना। अब राजनीति में क्या पढ़ते हैं, हम वंशावली पढ़ते हैं, राजाओं के नाम पढ़ते हैं, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। तो अब जब यहाँ पे यहाँ के लोग कैसे थे, कबीलाई थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, है ना। किस पे निर्भर हुआ करते थे, पशुपालन। तो यहाँ का जो राजा होता था, है ना, शुरुआत में क्या था कि ऋग्वैदिक काल में कि इस टाइम कोई भी इनका नेतृत्वकर्ता नहीं होता था, शुरू में क्या था, इनका कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं होता। माना कि कोई दूसरी तरफ से आया, माना कि दो कबीले हैं, ये कबीला और एक, इनका भी कोई नेतृत्वकर्ता नहीं, माने कि इधर, तो यहाँ के जो आक्रमणकारी अगर इधर आएंगे तो ये अपने अपने तरीके से भाग जाते थे, क्योंकि नेतृत्वकर्ता नहीं था। तो इनमें युद्ध को हार जाने के प्रमुख कारण में से एक कारण ये भी था कि इनका नेतृत्वकर्ता नहीं होता था पहले, है ना। तो बाद में जैसे जैसे इनको आवश्यकता महसूस हुई तो इन्होंने एक को क्या बना दिया, अपने में से राजा बना दिया। और राजा किस चीज़ का होता था उस टाइम पे, सिर्फ अपने कबीले का, कबीले की सुरक्षा करनी, न कि भूमि की सुरक्षा करनी, है ना। एक कबीला आज की दुनिया है, कल यहाँ होगा, सिर्फ उसने अपने कबीले की रक्षा करनी है, अपने पशुओं की रक्षा करनी है, ठीक है ना, कि हमारे माना कि ये खेत हैं और ये दूसरे कबीले के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इस कबीले के लोग इस खेत में ना आए चरने के लिए, इनके पशु, है ना। तो सिर्फ कबीले की रक्षा करते थे, अपने अपने लोगों के, अपने पशुओं की रक्षा करते थे, पशु तो भ्रमणशील होते थे, है ना, ये बात थी। तो ये कबीलाई समाज के लोग हुआ करते थे, क्या करते थे, पशुपालन करते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, राजा बनाया, क्या बनाया, राजा बनाया। राजा को क्या कहते थे, राजा को क्या कहा जाता था इस टाइम पे, गोपता या गोपति भी कहते हैं ना, गोपति कहते थे। तो इस समाज में अगर हम देखेंगे, राजा, एक राजा बनाया जाता था किसके द्वारा, कबीले के जो लोग होते थे उन्हीं में से एक चुन लेते थे, वो अपने आप को, अपने में से एक को राजा चुन लेते थे। इस राजा की क्या क्या शक्तियां थी, इसकी न्यायिक शक्तियों को अगर हम देखें तो इसको न्यायिक शक्तियां भी थी। जो न्यायाधीश भी होता था वो कौन होता था इस टाइम पे, तो न्यायाधीश कौन होता था, राजा होता था। कोई नीति निर्माता के तौर पर अगर कोई काम करना है, कोई नीति बनानी है, कोई पॉलिसी बनानी, तो वो भी काम कौन करता था, राजा करता था। तो लेकिन इस समय राजा को नियंत्रित करने के लिए दो तीन चीज़ें होती थी, यहाँ पे समितियाँ होती थी, कुछ संस्थाएँ थी, जैसे समिति है, सभा है, समिति है, विदत है और गण है। ये चार संस्थाएं जो हैं राजा को क्या करती थी, नियंत्रित करती थी, समझ रहे हो बात को। तो सभा और समिति, विदथ और गण, ये किस काल की बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल की। तो राजा को नियंत्रित करने का काम कौन करता था, सभा समिति ये सारी करते थे। न्यायाधीश कौन होता था, नीति निर्माता भी कौन होता था, एक प्रकार से राजा इस टाइम निरंकुश भी होता था, लेकिन कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन थी। यहाँ पे पशुपालन पर निर्भर थे, समझ रहे हो बात को, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब होता क्या था कि कभी कभी एक कबीले और दूसरे कबीले के बीच में क्या हो जाता था, युद्ध हो जाता था, है ना।
तो यहीं पर एक युद्ध है वैदिक काल का, वो कौन सा युद्ध है? दशराजी युद्ध। क्या है? दशराजी युद्ध। तो ये याद रखने वाले, पेपर में पूछा जा सकता है दशराज युद्ध। और इसका कारण थोड़ा दूसरा भी था, ठीक है ना, अलग अलग कबीले थे, ठीक है ना, कबीले को उस टाइम पे जन कहते थे। क्या कहते थे? जन कहते थे। ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे कबीले को? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिख लेना साइड में। तो इस टाइम कबीले को जन कहते थे भाई, ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे जो सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जनपद हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई कौन है? जन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनपद हो जाएगा, है ना। यहाँ की जो सबसे बड़ी इकाई है, इकाई क्या है? ये जनपद हो जाएगी। समझ रहे हो बात? यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी इकाई? जनपद। तो जो दशरा जीव देखने को मिलता है, ये दो जनों के बीच में, एक तो भरत था, भरत कबीला था, ये क्या था? कबीला। माना कि जन मान लो आप, है ना, भरत कबीला था। इसका एक राजा हुआ करता था सुदास। क्या था राजा का नाम? सुदास। भरत कबीले और दस कबीले और थे एक साथ, ठीक है ना। दस कबीले में जैसे पुरु हो गया, ठीक है, तुर्बस हो गया, अनिल हो गया, बहुत सारे कबीले हुआ करते थे इस टाइम पे। तो दस कबीले के राजा एक साथ, दस जन, क्या कहेंगे इनको? दस जन। दस जन के राजा एक साइड थे और भरत कबीले का राजा सुदास, ये एक तरफ था, है ना। तो इनके बीच क्या हुआ? एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दस राज युद्ध में कौन जीता? इसमें सुदास जीता और दस जनों की क्या हुई? हार हुई। तो दस राज युद्ध का भी वर्णन हमें कहाँ मिलता है? वैदिक काल में मिलता है ना। किस नदी के तट पर हुआ ये? रावी नदी के तट पर, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, रावी नदी के तट पर हुआ ये। किस नदी के तट पर हुआ था? रावी, या रावी को क्या कहते हैं? परुषणी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो इस टाइम की राजनीतिक जो इकाई थी, राजनीतिक इकाई क्या थी सबसे बड़ी ऋग्वैदिक काल में? जन। इस समय जो राजा होता था वही जो है न्यायाधीश भी होता था, नीति निर्माता भी था, और इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ समितियां थी हमारे पास, सभा समिति, विदत और गण। अब उत्तर वैदिक काल में भी सिस्टम यही था यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे भी राजा होता था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो इसको नियंत्रित करने के लिए ये दो चीजें समाप्त कर दी गई उत्तर वैदिक काल में, सिर्फ सभा और समिति यहाँ पर नियंत्रित करती थी इसको, सभा और समिति। अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, ये भी लिख लेना भाई कहीं पे। अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की क्या? दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है ना। अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो यानी कि सभा और समिति का बहुत महत्व था उस टाइम पे, है ना। तो दशराज युद्ध भी आपने पढ़ लिया है, तो इस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी ये भी आपने देख ली। तो उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? और ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है ना। और इस वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, क्या होती थी? कुल, ये भी लिख लीजिए कहीं। सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। फिर उससे बड़ी थी ग्राम। कुल का मतलब एक प्रकार का परिवार है, ठीक है ना, एक परिवार। कुल से बड़ी थी, कुल से बड़ी क्या है? ग्राम, है ना। और ग्राम से बड़ी क्या हो जाएगी? विषय, है ना। विषय से बड़ा है जन, और जन से बाद में क्या बन गया था उत्तर वैदिक काल में? जनपद बन गया था। तो इस प्रकार सबसे बड़ी इकाई क्या थी बाद में उत्तर वैदिक काल में? और ऋग्वैदिक काल में यही तक था, जन तक। समझ रहे हो आप? ये बात है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। और ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई
जन, और उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई कौन हो गई थी? जनपद। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो राजनीतिक स्थिति भी हम पढ़ चुके हैं इसकी, है ना। तो चलो तो अगला हेडिंग डालेंगे, एक छोटा सा हेडिंग नोट करके। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था क्या डालेंगे? आश्रम व्यवस्था। तो जो आश्रम व्यवस्था थी भैया, इसकी जानकारी हमें मिलती है जवाल उपनिषद है। एक क्या है? जवाल उपनिषद। मैं लिख के देता हूँ, जवाल उपनिषद आश्रम व्यवस्था। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की जो जानकारी मिलती है, आश्रम व्यवस्था की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जवाल उपनिषद से मिलती है। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति को करना क्या होता था? जीवन काल को, संपूर्ण जीवन काल को चार भागों में डिवाइड किया गया था, है ना। आश्रम व्यवस्था में क्या किया गया था? मनुष्य का जो जीवन है वो चार भागों में विभाजित किया गया था, और इन चार भागों में विभाजित करके मनुष्य के कार्य को निर्धारित किया गया था कि आपको इस एक काल में क्या करना है, दूसरे कालखंड में आपको क्या करना है, है ना। इसी को जो है आश्रम व्यवस्था कहा गया है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है? जवाल उपनिषद से मिल रही है। तो जो पहली जो आश्रम व्यवस्था होती थी, जो पहला काल होता था, उसे क्या कहते थे? ब्रह्मचर्य। क्या कहते थे? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है ना। उसके बाद गृहस्थ जीवन होता था, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन होता था, और उसके बाद सन्यास जीवन व्यतीत करता था। इन्यास, सन्यास। ठीक है, सन्यास ऐसे लिखते हैं जैसे हमने लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखते हैं सन्यास। ठीक है ना, हिंदी में वर्तनी शुद्धि में भी आएगा ये सन्यास, समधन न्यास, ये बिंदी लगानी जरूरी है। अभी इसे सुधार लो, पेपर में आ सकता है, पेपर में। ठीक है ना, हिंदी का एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का हो सकता है सन्यास। ठीक है ना, तो आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया था? चार। और प्रत्येक भाग का कुछ ना कुछ कार्य करना होता था हमें। ठीक है ना, तो ब्रह्मचर्य जो जीवन था ये 0 से लेकर के जब जन्म होता था 25 वर्ष तक का होता था, है ना। अमूमन हम 100 वर्षों में, मतलब जीवन काल को हमने 100 वर्ष का माना हुआ था उस टाइम पे। तो 0 से 25 यहाँ पे 26 से लेकर के 50, और यहाँ पे 51 से लेकर के 75, और 76 से लेकर के 100। इस दौरान हमें अलग अलग काम करने होते थे। तो ब्रह्मचर्य जीवन में हमें क्या, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना, गुरु के समीप जाकर के शिक्षा वगैरह ग्रहण करनी होती थी। तो 25 साल तक हम पढ़ाई पढ़ाई कर सकते थे अपने, है ना। गृहस्थ जीवन में आप क्या करेंगे? अपनी शादी विवाह करेंगे, गृहस्थ जीवन धारण करेंगे। वनप्रस्थ में क्या, वनों में चले जाएंगे, है, वनवास चले जाएंगे। और बाद में क्या करेंगे आप? सन्यास जीवन, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आप सन्यास धारण कर देंगे, है ना। मोक्ष प्राप्ति के लिए आप कौन से आश्रम को धारण करते थे लास्ट में? सन्यास। ठीक है ना, तो आश्रम व्यवस्था क्वेश्चन इतना बनेगा। आश्रम व्यवस्था का कहाँ से प्रमाण मिले? कहाँ उल्लेख मिलता? जवाल उपनिषद। कितने भागों में बटा हुआ था? तो इतनी सी बात है। ठीक है ना, तो उतार दें आपने। ठीक है, तो सारी चीज लिख ली। अब लिखिएगा कि तत्कालीन समय में, तत्कालीन समय में होता क्या था कि जैसे कोई वस्तु है, अर्थव्यवस्था में हमने जैसे कृषि पढ़ना था ना, कृषि पढ़ा था, तो उस टाइम की कृषि में जैसे जौ था, तो जौ के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? ठीक है ना, गेहूं के लिए क्या किया गया? तो ये सारी चीज़ें कुछ शब्दावली आती हैं पेपर में, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ किस चीज़ के लिए क्या बोलते थे उस टाइम पे। तो जैसे जौ के लिए, जौ की खेती थोड़ा बहुत जो है ऋग्वेदिक काल, पूर्ववेदिक काल में ही करते थे, और जौ को कहा जाता था उस समय यव। क्या कहा जाता था? यव कहा जाता था। गेहूं को
गेहूं को क्या कहा जाता था? गोधूम कहा जाता था। गोधूम कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई, ठीक है ना। गाय को क्या कहा जाता था? अभी अभी तो लिखा है अघन्य है ना। कर संग्रह को क्या लिखा जाता था? अभी अभी वो भी लिखा था, संग्रहिता, संग्रहिता है ना। राजा को क्या क्या कहा जाता था? अतिथि को क्या कहा जाता था? अतिथि, गेस्ट जैसे कोई आते हैं तो उनको कहा जाता था गोहन। तो गौ का कहीं ना कहीं महत्व तो था, है ना। गौ से संबंधित ही हमें जो है अधिकांश शब्द प्राप्त हो रहे हैं, है ना। और गोहन या गोहनता भी कहा जाता था इसे कहीं कहीं पर, अगर ये आता है तो ये भी इसका आंसर गोहनता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। हलवाई, हलवाई को क्या कहते थे? जो हलवाहा होता था, हलवाहा, इसको किसाब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किसाब कहा जाता था, किसाब कहा जाता, क्या कहा जाता था भाई साहब? किसाब कहा जाता था। अतिथि कर संग्रह और मैं समझ लेना, ठीक है ना। तो गाय हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये सारी चीजें शब्दावली आती हैं पेपर में, किसे क्या कहा जाता, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हो गई, ठीक है। तो इतनी सी बात है वैदिक काल में, लगभग लगभग हम पढ़ चुके हैं, बाकी अगर कुछ छूटा होगा तो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, धन्यवाद।